है हरियाली। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका इस ट्रेवल जंगी के नए एपिसोड में। सो दोस्तों, सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं अपने सुलेम्बर पार्टी हॉस्टल से निकल चुका हूँ पटाया के लिए। अब मैं जा रहा हूँ मेट्रो, यहीं पे पैदल ही चलेंगे रोड पे, मतलब 300 मीटर डिस्टेंस पे है मेट्रो, कोंचित मेट्रो। कोंचित मेट्रो से मैं जाऊँगा इकामाई, इकामाई से मैं पटाया के लिए बस लूँगा। सुबह सुबह का मौसम एकदम, सुबह सुबह एकदम फ्रेशनेस बहुत अच्छा लग रहा है। बस मुँह हाथ धोया, ब्रश व्रश किया और निकल लिया, आपको पटाया दिखाना है। तो देख सकते हैं ये 7-Eleven है, आपको पूरे बैंकॉक में हर जगह मिल, बैंकॉक के वियतनाम में भी आपको मिल जाएगा हर जगह। आप यहाँ से अपने डेली नीड्स की चीज़ें ले सकते हैं। कन्याओं का दर्शन करोगे? मैं तो अपना नाश्ता यहाँ सुबह सुबह कर रहा हूँ और नाश्ते में मैं पी रहा हूँ ये म्यू, दूध को म्यू बोलते हैं, म्यू, दिस इज मिल्क राइट, या तो यहाँ दूध को म्यू बोलते हैं, म्यू या लोकल लैंग्वेज म्यू। और ये देखिए तला हुआ ब्रेड है। तो सुबह सुबह मेरा नाश्ता हो गया दोस्तों, थोड़ा दूध पीने के बाद एनर्जी आती है, फिर आगे चलते हैं, पटाया जाना है बहुत दूर, खूब मजा लेना। अब धीरे धीरे मैं यहाँ का लोकल फूड खाना सीख रहा हूँ, मतलब वेज नॉन वेज समझ रहा हूँ लोग क्या क्या बोलते हैं, कॉमन चीज़ें। जैसे आपको दूध चाहिए तो आप म्यू बोलते हैं। सो दोस्तों, ये तो था वेज में नाश्ता, अब दिखाते हैं यहाँ पे लोकल नॉन वेज नाश्ता। इस प्रकार यहाँ सुबह सुबह नाश्ता होता है। और जो कढ़ाई में तला जा रहा था आप देख रहे थे, वो था आमलेट, वो आमलेट बन रहा था, मतलब कि वैसे आमलेट बनता है, अंदर से अपने आमलेट बनता है वो लपेटते हैं, लेकिन यहाँ पे लपेटते नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे किया, डायरेक्ट डाल दिया, तो उस प्रकार आमलेट बनता है। चलिए आपको आगे का दिखाते हैं। एक प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों ने शिकायत किया यार कि आप कैमरे के लेंस में देख के बात नहीं करते हो, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप कैमरे के लेंस में देख के बात करूँ। मैं क्या सोचता हूँ, अगर मैं यहाँ देखूँगा इधर का साइड का आपको व्यू दिख जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कैमरे की लेंस में देख के बात करूँ। ये मेट्रो आ गया है, कोंचित मेट्रो, ठीक है। अब कोंचित मेट्रो से हम टिकट लेंगे इकामाई के लिए। अस्सी ना पचासी हमरा नब्बे चाही, ए टेंगरा के दीदी, ए टेंगरा के दीदी, ए टेंगरा के दीदी हमरा अब्बे चाही, ए टेंगरा के दीदी हमरा अब्बे चाही। तो आप देख सकते हैं मैं अभी मेट्रो स्टेशन पे पहुंच गया हूं और यहां से मैं टोकन लूंगा, यहां से आप टोकन ले सकते हैं अगर आपके पास चेंज है तो। यहां पे मशीन बनी हुई है, आप मशीन से भी टोकन ले सकते हैं। हेलो, इकामाई, इकामाई, या दिख मी, ओके, देख सकते हैं आप ये इकामाई के लिए मेरा कार्ड बन रहा है। यहाँ पे टोकन नहीं चलता, यहाँ पे कार्ड चलता है, तो आपको इस प्रकार यहाँ पे कार्ड लेना है। चलिए अब आपको मेट्रो दर्शन कराते हैं। जैसे आप मेट्रो स्टेशन के कार्ड लेके अंदर आएंगे तो आपको दो लाइन होंगी, ठीक है, तो आप अपने दाएं साइड वाली लाइन से ऊपर जाएंगे, को खलेना वाली मेट्रो पकड़ेंगे। कौन सी? को खलेना। देखा कितना अच्छा नज़ारा है ना,
सुबह सुबह का मौसम है, दिल खुश हो जा रहा है मेरा तो। आइए बैंकॉक, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, इजी है यार। ट्रिक ट्रिक बता ही रहा हूँ, जहाँ पे नहीं समझ में आया वहाँ पे भाई तुम्हारा बैठा ही है, हर चीज़ तो बता ही देता हूँ। तो यार 20-30 हज़ार डजन मीटर, आइए एक बार दुनिया देखिए। मैं तो यही कह रहा हूँ, दुनिया देखो यार, दुनिया में बहुत कुछ है। मैंने प्रवेश कर लिया है और ये देखिए मेट्रो का नज़ारा, सुबह सुबह का नज़ारा है, काफ़ी अच्छा नज़ारा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से मैं जा रहा हूँ इकामाई। काफ़ी अच्छे अच्छे प्यारे सारे लोग हैं, थाई पीपल हैं, और काफ़ी शांति माहौल है। ये मेट्रो का दृश्य आप देख लीजिए। Next station, Assam. Interchange with MRT. तो आप बैंकॉक में इकामाई जा रहे हो या कहीं भी किसी मेट्रो जा रहे हो, तो अपना अपना स्टेशन, कितना स्टेशन बाकी है अभी या कितने स्टेशन बाद आएगा, इस स्क्रीन में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है, यहाँ पे आपको बताएगा कि अगला स्टेशन कौन सा है और आपका स्टेशन आने वाला कितने नंबर पर है। देखिए देखिए, जैसे थोंगलोंग अभी आने वाला है, ठीक है, उसके बाद मेरा आएगा स्टेशन इकामाई। तो इस प्रकार आप अपना डेस्टिनेशन चेक कर सकते हैं। अब चलिए आ गया इकामाई स्टेशन, ये देखिए यहाँ से अब हम नीचे जाएंगे। सो दोस्तों, जैसे मैं यहाँ से मेट्रो से बाहर निकला, यहाँ पे महिला है, ये कुछ अच्छे काम के लिए लगता है मांग रही है कुछ, तो मैं इनको कुछ डोनेट करता हूँ। थैंक यू, जय श्री कृष्णा। कर देना चाहिए दोस्तों, क्या पता किसी का भला हो, जितना हो सके, ठीक है, हमारी जितनी अथ शक्ति, जितनी शक्ति है उतना करते हैं। भैया उतरने बाग जो हो, ये है इकामाई बस टर्मिनल। आय हाँ, हरियाली। पहुंचा दिया आपको इकामाई बस टर्मिनल, पार्टी देना। हाँ सो दोस्तों, ये है बैंकॉक का इकामाई बस टर्मिनल, यहाँ से हम पटाया के लिए बस लेंगे। सो यहाँ का राष्ट्रगान चल रहा था तो मैं खड़ा हो गया था। चलिए आगे चलते हैं, आपको इसके अंदर लेके चलते हैं, इकामाई बस स्टॉप के अंदर। चलिए, अरे यहाँ भी हरियाली हरियाली नजर है। सो दोस्तों, मैंने पटाया के लिए इस इकामाई बस स्टॉप से टिकट ले लिया और टिकट मेरे को पड़ा 119 भाग का, और मेरी सीट नंबर है 34 और मेरी बस का नंबर है 4862। सो दोस्तों, अभी हमारी बस इकामाई से पटाया के लिए निकल चुकी है। सो दोस्तों, हम पहुंच गए पटाया 8:30 बजे, 8:40 पे बस हमारी चली थी और 10:30 पर पहुंचा दी यहाँ पे पटाया ऑन टाइम। अब हम जा रहे हैं यहाँ से हैप्पी हॉस्टल। दोस्तों, जैसे ही आपको यहाँ पे बस उतारेगी, आपको यहाँ पे सामने देखिए वो टैक्सियाँ लगी हुई हैं, बाइक टैक्सी, लाल लाल कलर की जैकेट पहने हुए, ठीक है, तो यहीं से आपको टैक्सी मिल जाएगी। आप ज़्यादा 60 से 70 भट दें अपने नज़दीकी हॉस्टल जाने के लिए, कि आसपास में ही है सब। तो दोस्तों, 80 भात में मैंने पटाया बस स्टॉप से अपने हैप्पी हॉस्टल के लिए ये बाइक टैक्सी कर ली है और हम पटाया में घूम रहे हैं। अब मैं दिखाता हूँ, ये मेरे ड्राइवर साहब हैं और अब मैं आपको दिखाता हूँ पटाया का नज़ारा। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैप्पी हॉस्टल, ये देख लीजिए हैप्पी हॉस्टल है। सबसे पहले जैसे आप इस हॉस्टल में आएंगे, देखिए बोर्ड लगा हो और यहाँ पे सोफ़ा वगैरह लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया गया, मतलब फुल लग्जरी।
अपना पासपोर्ट वगैरह, पासपोर्ट भी ये लोग डिपॉजिट नहीं करते हैं, आपको बस 200 भात आपको डिपॉजिट करने होंगे। जब आप की रिटर्न करेंगे, मतलब रूम की चाबी रिटर्न करेंगे, तो आपके 200 भात वो रिटर्न हो जाएंगे। और आप कंप्यूटर वगैरह यूज करना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए फ्री कंप्यूटर है, आप इसको फ्री यूज कर सकते हैं। अगर अभी हॉस्टल में रुके हैं तो आप फ्री में ये कंप्यूटर आप यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा नोटबुक पेन वगैरह पूरा रखा हुआ है। आप सिस्टम अपने टिकट्स वगैरह, होटल वगैरह, आगे की जर्नी का प्लान आप यहाँ पे बैठ के आराम से सेट कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ से आप ओरो का फ्री वाटर ले सकते हैं, जो कि कई हॉस्टलों में नहीं मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये फ्रिज वगैरह है, फ्रिज वगैरह में आप अपना सामान रख सकते हैं, ये पूरा फ्रिज वगैरह है। और यहाँ पे देखिए टी, कॉफ़ी या माइक्रोवेव में चूच गर्म करके अपना ला के खा सकते हैं, रख सकते हैं। और चाय कॉफ़ी यहाँ पे ये सब पूरी फ्री सेवा है, देखिए फ्री लिखा हुआ ना, ये पूरी फ्री सेवा है। ये पूरा यहाँ पे ये देखिए, ये कॉफ़ी है, ये चाय है, ये क्रीम है, मतलब जिसको बोलते हैं दूध पाउडर, ये चीनी है, ठीक है। यहाँ पे प्लेट है, और ये प्लेट में आप रख सकते हैं, यहाँ से प्लेट निकालें, यहाँ से चम्मच निकालें, और चम्मच निकाल खाने पीने के बाद धो के यहाँ इसी में वापस रख दें। और ये देखिए प्लीज़ क्लीन यू, क्लीन आफ्टर यू। ये कप है, यहाँ पर चाय कॉफ़ी अगर आप पिए तो यहाँ से गर्म पानी ले लें, यहाँ से चाय कॉफ़ी ले लें, चीनी वगैरह डाल के आराम से पी के कप वहाँ से धो के आप वापस रख लें। बाकी और जैसे आप एंटर करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे स्विमिंग पूल मिल जाएगा, वहाँ पे आप नहाओगे। ये देखिए ये स्विमिंग पूल है, आप यहाँ पे आराम से नहा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। स्विमिंग पूल के कुछ रूल हैं, 9 बजे सुबह से 7 बजे शाम तक आप नहा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, इस हॉस्टल में आपको 450 से 500 रुपये पर नाइट के हिसाब से मैं वो एगोडा पे प्राइस है उसका मैं बता दूँगा आपको कैसे बुक करें। एगोडा से बुक कर सकते हैं आप, डायरेक्ट आ भी सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से बुक कर सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट आएंगे 280 घाट में आपको रूम मिल जाएगा। दोस्तों जैसे आपको कपड़े धोने मशीन में, तो यहाँ पे मशीन लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आपको दो या तीन क्वाइन डालने हैं, सिक्के डालने हैं, और आप उसमें अपने कपड़े डाल देने, कपड़े धो के सूख के आपको बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार आप इस मशीन का भी उपयोग कर सकते हैं। ये देख सकते हैं ये पूरा मशीन का कंडीशन है, और ये यहाँ पे ये वॉश बेसिन एरिया है। यहाँ पे आपने जो भी मतलब बर्तन वगैरह जो भी आप यूज करें, कॉफ़ी वगैरह अपनी जो भी यूज करें, तो यहाँ पे आप धो सकते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है। सो दोस्तों ये तो हो गया, चलिए मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ, जहाँ पे आपको बेड वगैरह मिलेंगे और रूम कैसा मिलेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे तो आपको इस प्रकार व्यू मिलेगा, ये व्यू पूरा आप देख लीजिए। ये लॉबी एरिया है, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे भी जितने आप रूम है वहाँ पे एक लॉबी बना हुआ है, आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, आराम से अपना काम वगैरह कर सकते हैं। इधर की ओर लेडीज वॉशरूम है, और इधर की ओर जो है कि ये जेंट्स वॉशरूम है, ये देख सकते हैं, ये पूरा जेंट्स वॉशरूम एरिया है। ये पूरा जेंट्स वॉशरूम एरिया, यहाँ पे आप वॉशरूम एरिया आप देख सकते हैं। और ये ऐसा आपको जब आप एंट्री करने के लिए रूम में जाएंगे आपको ऐसा एक कार्ड मिलेगा, ठीक है। इस कार्ड को जैसे आप लगाएंगे तो इस कार्ड का ही आपको सिक्योरिटी जमा कराते हैं। ये अगर आपका कार्ड गुम गया तो आपके 200 भात गए, ठीक है। तो इस कार्ड को संभाल के रखें, ये चाबी होती है आपकी। तो इस प्रकार रूम बने हुए, चलिए मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं ये प्लग है, यहाँ पे अपना मोबाइल कैमरा फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे अपना कैमरा फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। तो ये था रूम का व्यू। चलिए अब बाहर निकलते हैं, मुझे भी आगे जाना है शूट करने।